हाई एंड हैलो एवरी वन वेलकम बैक टू स्प्रिंट यू पी एस सी सो वी आर डिस्कसिंग क्लास ट्वेल्थ तमिलनाडु बोर्ड्स हिस्ट्री दिस इज चैप्टर सिक्स एंड वेर एंड विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ अबाउट द लॉर्ड ललहौजी इनका टाइम था एटीन फोटी एट से एटीन फिफ्टी सिक्स तक का इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे पहले हम देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं तो यहाँ पर पहली बात तो डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पंजाब का एनेक्सेशन सेकेंड बर्मीज वॉर एंड एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इज़ द डॉक्टर ऑफ लैब्स फिर अवध का अनेक्सेशन उनके डोमेस्टिक रिफॉर्म्स जैसे कि रेलवे टेलीग्राफ पोस्टल रिफॉर्म्स एजुकेशनल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स वगैरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो और उनके एस्टिमेट्स तो ये सारे हैं क्या ये सारे हैं आपके कॉन्टेंट्स इस पूरे चैप्टर के बट वॉट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन दिस पार्ट इज़ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पंजाब बर्मा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर इन ऑफ लेप्स सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री राइट डॉक्टर इन ऑफ लेफ्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं डलहौजी की सो ही वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थर्टी सिक्स की एज में एटीन फोर्टी एट में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था uh, इनके करियर के स्टार्टिंग में ही uh, उन्होंने लाइक like, स्टार्टिंग ऑफ इस करे वेरी वेरी वॉट वेरी वेरी रिमार्केबल ही स्टाडेड इन क्राइस्ट चर्च ऑक्सवर्ड फिर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन गए ही एन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ सर रॉबर्ट पील हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड दैट टाइम रेलवे के कंस्ट्रक्शन में इंग्लैंड में इन्होंने बहुत ही अच्छे रिमार्केबल प्रोग्रेस किया था है ना एंड इन एटीन फोर्टी सेवन उनको गवर्नर जनरलशिप दी गई भारत की और उन्होंने एक्सेप्ट की कलकत्ता में आए एटीन फोर्टी एट में फाइनली अब पॉलिसी इनकी कैसी थी एनेक्सेशन की वो देखते हैं सो so, सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन का है द ग्रेट ड्रामा ऑफ एनेक्सेशन ठीक है किस तरह से उन्होंने जो कंपनी की टेरिटरी है कंपनी की जो टेरिटरीज है उनको एक्सपैंड किया थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव इंपीरियल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल फंक्शंस नाउ दो ही यूज डिफरेंट रीजंस फॉर दिस एनेक्शन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एक्चुअली सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था मिसरूल इन द दस्ट स्टेट राइट सेम आपके अवध के केस में हुआ उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है वहाँ पर मिसरूल चल रहा है ठीक इन्होंने इस चीज़ में बोला कि हम जो है वो बे, बेनिफिशेंट एडमिनिस्ट्रेशन देंगे लोगों का जो भी अनेक्स्ट स्टेट होगा उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे एट द सेम टाइम उनके पास में ये था कि ब्रिटिश पावर एक्सटेंड हो जाएगी राइट right?

बाई दी एंड पंजाब वॉज ए नेक्स्ट पैडल हॉजी उन्होंने क्या क्या ही ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब वेरी वेरी एफिशेंटली बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्स में उनको डिवाइड किया वहाँ पर ऑफिसर्स रखे डिप्टी कमिश्नर उनको बोला करते थे कमिश्नर जो थे वो असिस्टेंट्स को हेल्प किया करते थे सो दैट पीपल के कॉन्टेक्ट में रहें उनकी प्रॉब्लम समझ पाएँ रेवेन्यू जुडिशल डिपार्टमेंट्स जो थे वो कम्बाइन कर दिए गए थे सो दैट जो आपका कंसनट्रेशन ऑफ पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्सनट्रेटेड रहे द लॉज एंड प्रोसीजर्स दे सिम्प्लीफाइड इन अकॉर्डिंग विद द कस्टम ऑफ द पीपल यानी कि लोगों के कस्टम के अकॉर्डिंग लॉज एंड पॉलिसीज अब सिम्पलीफाई किए जा रहे थे पंजाब का जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन था वो चीफ कमिश्नर के अंदर था आप देख सकते हैं इनफैक्ट द गवर्नर जनरल वॉज अ वर्चुअल रूरल ऑफ पंजाब दैट टाइम ऑफ द सर्विसज ऑफ लॉर्डेंस ब्रदर इन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब दे आर वेरी वेरी नोटेबल तीन साल में इन्होंने ऑर्डर रेस्टोर कर दिया था इस रीजन का इन्होंने इन्होंने जो भी इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज थे उन सबसे अच्छे से लड़ा एंड एटीन में जॉन लॉरेंस जो थे उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था पंजाब वाले रीजन का अब बात करते हैं बर्मीज वॉर सेकेंड बर्मीज वॉर और फिर उसके बाद जो लोअर बर्मा का एक्सेशन हुआ 1852 में एक कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ था लाइक रंगून में एंड देर वॉज हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द दैट टाइम सेकेंड वॉर हुआ ओके okay. डलहौजी ने लोअर वर्मा एनेक्स कर लिया और उसकी कैपिटल जो थी पिगू वो भी एनेक्स कर ली अब जो मेजर आर्थर पायरे थे उनको कमिश्नर अपॉइंट कर दिया इस रीजन का समझ में आया कि इन्होंने भी काफी अच्छे से एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया एंड रंगून ब्रिटिश मोस्ट वैल्यूबल एक्विजिशन बन गया था उस टाइम पे आपके बिगेस्ट पोर्ट्स था आपके एशिया में अब समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो देखिए डलहौजी ने हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से जो है एडवांटेज लिया है हर एक अपॉर्चुनिटीज़ का इन ऑर्डर टू अक्वायर द टेरिटोरियल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू एक्वायर द टेरिटरी आप देखते जाओगे धीरे 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 करके ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे प्री-डोमिनेंट पावर बनती जा रही थी भारत में क्योंकि उन्होंने क्या किए थे अलायसेस किए थे इंडियन रूलर्स के साथ अब इंडियन रूलर्स जो थे इनको क्या किया था इन्होंने प्रॉमिस कि इनको सपोर्ट करेंगे एंड दे हायरस इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू रिटर्न ऑफ वेरियस कंसेशंस राइट ये जो अग्रीमेंट थे दे फेवर्ड द ब्रिटिश द लौज इज टू अक्वायर इवन मोर पावर अब इन्होंने नई तरह की पॉलिसीज लाना शुरू करी अब देखिए इन्होंने समझा कि जो हिंदू लॉ है ठीक इनको पता था हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वन कैन एडॉप्ट सन इनकेस ऑफ नो मेल हायर टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ओके अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सपोज ए किंग है ठीक ये अपनी पावर में है इसका कोई बेटा नहीं है राइट ही वॉन्ट टू अडोप्ट ऑल दो बट इसके ऊपर एक दिस किंग इज सबॉर्डिनेट ना अब ये ओरिजिनल पावर तो है नहीं पैरा पावर तो कोई और है क्योंकि इन्होंने सुजैनिटी एक्सेप्ट करके रखी हुई है तो अब इस केस में क्या ये अपना सन अडॉप्ट कर सकते हैं दिस वॉज द क्वेश्चन राइट

अब प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोज़ आपका एक घर है ठीक है अब घर में एक व्यक्ति रह रहा है उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया राइट और उसको बोला कि ये प्रॉपर्टी आपका एक घर है जो होम है वो आपका हो गया ठीक तो डलहौजी के अकॉर्डिंग कि घर एक प्रौप, प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका हायर चुनना इज डिफरेंट देन हायरिंग किंग ओके okay? सो so, इनका मतलब था कि एक व्यक्ति को गवर्न करने के लिए अगर आप किसी सन को अडॉप्ट कर रहे हो तो दैट इज डिफरेंट इसी को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ लेथ आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर प्रोसेस कि देखो सपोज कोई किंग है एक अच्छे से समझाती हूँ इफ सपोज देर इज अ किंग एक्स ओके एंड ही डज नॉट हैव एनी हायर ही डज नॉट हैव एनी सन राइट सो ही वॉन्ट टू अडॉप्ट वाई एज अ सन ओके बट सिंस दिस किंग is under he that this king is subordinate to the supreme power of the britishers he will have to ask the britishers whether he can adopt this particular son or not right ab britishers yahan pe disallow kar sakte hain bolenge nahi aapka koi legal hai nahi hai to ab hum आपका जो state है वो लैप्स हो गया अब हम उसमें गवर्न करेंगे इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स सो so, ये जो थी डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स डलहौजी ने सतारा में, Uh, जो है वो अप्लाई की थी और 1848 में वहाँ पे अनेक्स कर लिया झांसी नागपुर धीरे धीरे 1854 तक अनेक्स किए गए इसकी वजह से जो लार्जर सेंट्रल प्रोविंसेस हैं अब ब्रिटिश रूल के अंदर आ गए थे ये जो नए प्रोविंसेस हैं अब यहाँ पे चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे 1861 में वो इनको देखते थे ऑल्डो ये जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के नॉट बी रिगार्डेड एज इ इट्स एप्लीकेशन बाई डल हॉजी वॉज वेरी वंच डिसक बाय द इंडियन प्रंसेस क्योंकि ऑफकोर्स किस को बुरा नहीं लगेगा ऐसे सिस्टम में ऐसे केसेज में अब जो सतारा का रीजन मिल गया था झांसी का नागपुर का रीजन मिल गया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था किसके वक्त पे ब्रिटिशर्स के टाइम के और उनके लिए डल हॉजी को ब्लेम किया जाता था कि ये जो है वो एनेक्सेशन की पॉलिसी है डॉक्ट्रीन ऑफ लेव्स अफकोर्स थी ही यानी कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं फिर आप जानते हो कि ये जो ये स्टेट्स लिए थे झांसी का जो केस था वेरी फेमस हमारी जो जो म्यूटनी हुई थी फर्स्ट म्यूटनी राइट 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपके इस फाइट में और भी लोग थे जिन्होंने ये जो म्यूटनी है जो लड़ी थी डॉक्टरिन ऑफ लेप्स आ, की वजह से तो बोला जाता है द प्राइम कॉज ऑफ द म्यूटनी ऑफ एटीन जो हम बोलते हैं अठारह की क्रांति तो प्राइम कॉज तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स की पॉलिसी ही थी क्योंकि इनसे छीन लिए गए थे इनके स्टेट्स राइट सो आफ्टर द डिसम्यूनिटी आफ्टर दिस न्यूटनी द डॉक्ट्रिन ऑफ लेस लेब्स वट बिट ऑल ऑल्डो म्यूटनी के बाद 1858 में आपका पूरा का पूरा अनैक्स ब्रिटिश डायरेक्ट ही कंट्रोल करने लगे थे ऑल दो नाउ टॉकिंग अबाउट एनेक्सेशन ऑफ अवध अब यहाँ पे इनकी बात कहाँ से होती है स्टार्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 से ठीक है राइट फ्रॉम वॉरिन बहुत से गवर्नर जनरल ने नवाब जो थे अवध का उनको बोला था कि एडवाइस किया था कि किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो बट यहाँ पर चल रहा था अगैन क्या मिस रूल ठीक है नवाब इस एजम्पन्स में थे कि ब्रिटिश जो है वो अनेक्स नहीं कर सकते अवध वाले रीजन्स को क्योंकि वो बहुत लॉयल है ब्रिटिशर्स की तरफ फिर एटीन फिफ्टी वन में विलियम स्लीमैन जो थे रेजिडेंट एट लखनऊ ही रिपोर्टेड ऑन द स्पेक्टिकल ऑफ ह्यूमन मिजरी एंड केयरलेसनेस केयरलेस मिस रूल राइट ऑल्दो स्लीमैन वॉज अगेंस्ट इन द पॉलिसी ऑफ अनैक्सिंग द अवध बट सर्वे करने के बाद लाइक आफ्टर सर्विंग ऑल द सिचुएशन स्टलॉजी ने इनको क्या किया अनेक्स कर लिया एटीन फिफ्टी सिक्स में अब जो नवाब थे वाजिद अली उनको पेंशन दी जा रही थी बारह लाख रुपए की हर साल ट्वेल्व लाख का पैकेज था इनका एंड जो अनेक्स टेरिटरी थी अब वो डायरेक्ट चीफ कमिश्नर के अंदर आ चुकी थी अब जो अवध का एनेक्सेशन था वो एन, सारे एनेक्सेशंस में लास्ट एनेक्सेशन्स माना जाता है और इसी के बाद से पॉलिटिकल डेंजर स्टार्ट हो गया अब ये जो एनेक्सेशन था वो मुस्लिम इलिट्स को ऑफेंड करने लगा मोर डेंजरस वॉज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मीज़ इंडियन ट्रूप बहुत से लोग अवध से ही आते थे एंड उन्होंने प्रिवलेज पोजिशन ऑक्यूपाई करके रखी थी एनेक्सेशन के पहले अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एट एज इक्वल विद रेस्ट ऑफ द पॉपुलेश दिस इज अ लॉस्ट ऑफ प्रेस्टिस्ट्रो नाउ। एंड इन वेरी वेज द एनेक्सेशन ऑफ अवध कंट्रीब्यूटेड टू द न्यूटनी द वेरी फेमस न्यूटनी एटीन फिफ्टी सेवन सो एटीन फिफ्टी सेवन डज नॉट हैव ओनली वन सिंगल कॉज जैसे कि हमने डॉक्ट्रीट ऑफ लेफ्स की बात करी एटीन फिफ्टी सेवन अठारह सौ संतावन की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे रीजन् थे अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन्स से ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट इन द लेटर पार्ट विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स ऑफ द डल हॉजी एंड डल हॉजी के बारे में बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे सो दिस इज एट अबाउट दिस से आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिट You can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates and also you can download the Sprint 2PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice early. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint 2PSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी एस यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू पी एस इसके लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी वेरी मच